वेल अस्सलाम वालेकुम हाय गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं कैसी एप्लीकेशन की, जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए मैंने तकरीबन 35,000 पाकिस्तानी अर्न कर लिया, मतलब 35,000 रुपये मैंने एक हफ्ते में इस एप्लीकेशन से अर्न किया है। और वो कैसे किया है, क्या सीन है इसका, इसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे नहीं ये टाइम वेस्ट है ऐसे वैसे, भाई अब आप पर डिपेंड करते हैं आपने किस तरीके से जो है ना यहाँ से अर्न करना है। वो फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस एप्लीकेशन का जिसका मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जो है उसे लाजमी उस फील्ड वीडियो को देखिएगा। लेकिन आज आप देख लें कि जो है ना हमें यहाँ से पेमेंट किस तरीके से रिसीव हुई है, आपने कैसे विदड्रा करना है, वो सब बात करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी से कर लें और बेल आइकॉन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और मैं एक बात बता दूँ, जिन्होंने ऑनलाइन पैसे कमाने होते हैं वो जो है ना कमेंट्स नहीं करते, वो काम करते हैं स्मार्ट वे, माइंड के थ्रू काम करते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा लोग के तो इतने ज़्यादा बहाने निकल आते हैं, आप यूट्यूबर हो, आप रेफर कर लेते हो, आप ज़्यादा कमा लेते हो। भाई हम ज़्यादा कमा लेते हैं, आप भी कमा सकते हो, आप मेहनत तो करो, आपके पास कोई ऑफलाइन वर्क होगा, हमारा ये फुल वे काम है, फुल टाइम है, इसलिए हम ये करते हैं। आप भी यूट्यूबर बन जाओ, ऑडियंस इकट्ठी करनी है, आप भी यूट्यूबर बन जाओ। तो आप जो है ना रेफर लाने की तंगी में ना पड़ा करें, रेफर कहीं से भी आ सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड है आप किस तरीके से ला सकते हो। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो में इस चीज़ को क्लियर किया है कि मैं किस तरीके से लाया करता था जब मेरे पास यूट्यूब की ऑडियंस नहीं होती थी, मैं फेसबुक से ही ले आया करता था 100-100 बंदे। तो बात करते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन का विड्रा करना है, वो सब चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। और अगर आप लोग घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो एक वीडियो, एक्स्ट्रा वीडियो मतलब बोनस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, उसे भी देख लेना क्योंकि उसको यूज़ करके भी मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, बात करते हैं क्या सीन है और किस तरीके से आप जो है ना इस एप्लीकेशन से विड्रा कर सकते हो, और शुरू करते हैं। तो वेल गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हाइव जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। और जो मिनिमम विड्रा है वो आप, मैं बता चुका हूँ कितना है, 50,000 टोकन है जो कि हमारे पास हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे विड्रा लगाते कैसे हैं, देन आपको इसके साथ वीडियो को अटैच कर दूंगा कि विड्रा मुझे रिसीव हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना मैं ये जो है ना बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, 50,000 टोकन मेरे शो हो रहे हैं। विड्रा के लिए आपको ऊपर जो है ना तीन डॉट्स मिल रहे होंगे ऊपर, वो देखें, विड्रा टोकन्स पर आपने क्लिक करना है। जब आप विड्रा टोकन पे क्लिक करोगे देन एक नई स्क्रीन आ जाएगी, और फिर यहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि आप जो है ना डिफरेंट वॉलेट्स के थ्रू विड्रा कर सकते हो, आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। यहाँ पे आपने अमाउंट लिख देनी है जो कि होगी 50,000, और यहाँ पे एथेरियम का वॉलेट एड्रेस डाल देना है जो कि जिसमें आपने टोकन लेने हैं। उसके लिए आपको जो है ना प्रोबिट को डाउनलोड किया लेना है, प्रोबिट वॉलेट में ये जो यू हाइव टोकन है लिस्टेड है, वहाँ से एड्रेस इसका मिल जाएगा, इसको आपने लाजमी डाउनलोड करना है, ये प्ले स्टोर पर ईजिली आपको मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना, यहाँ पे जो है ना वॉलेट वाले सेक्शन में आना है। वॉलेट वाले सेक्शन में आने के बाद जो है ना एक्सचेंज में भी अवेलेबल है, मतलब ऊपर आप सर्च करोगे तो यू हाइव जो आ जाएगा, उसकी प्राइस भी आपको दिखेगी कितनी है। यू हाइव टू आपने देखना है, ना कि यू हाइव जो हो वन वाला, आपने यू हाइव टू वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने जो है ना वॉलेट वाले सेक्शन पे आना है, यहाँ पे फिर आपने जो है ना सर्च करना है यू हाइव गो, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने जो है ना इसका डिपॉजिट एड्रेस उठा लेना है, यहाँ पे लिखा होगा डिपॉजिट, डिपॉजिट पे आपने जो है ना क्लिक कर लेना है। जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे इसका एड्रेस आ जाएगा ERC-20 का, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने उसी एप्लीकेशन पे वापस जाना है और ये जो एड्रेस है यहाँ पर डाल देना है, तो उस आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपने क्या कहना, सिंपल सा कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो ये कहेंगे हाँ आपने इतना विड्रा करवाना है, तो आपने कन्फर्म कर देना। अब ये प्रोसेसिंग में चली गई है। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये 2 हफ्ते बिजनेस डेज मतलब 15 दिनों के बाद ये जो है ना हमें आगे विड्रा दिया जाएगा। डन पे आपने जो है ना क्लिक करना है, तो अब ये जो है ना डन हो चुका है। अब हम इसका वेट करेंगे, जब मुझे रिसीव होगा तब मैं वीडियो यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा। आप देख सकते हो टोकन हमारे जो है ना कट चुके हैं। बाकी तो जो विड्रा रिक्वेस्ट थी वो हमने लगा दी थी, वो मैं हिस्सा पहले रिकॉर्ड कर चुका था, फिर देन उस पर मैंने जो है ना वॉइस ओवर कर दिया। अब ये वाला अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब मुझे पेमेंट मिल गई है, मतलब मेरे वॉलेट में है, बल्कि बाइनेंस में पहुँच गई है मेरे। हाँ जी गाइस, तो अब बात करते हैं आगे क्या हुआ था। मैंने जब विड्रा रिक्वेस्ट लगाई तो वो हमें टाइम देते हैं, मैं आपको A to Z क्लियर करूँगा, वो हमें टाइम देते हैं 15 दिनों का, 15 बिजनेस डेज मतलब 2 हफ्ते। बिजनेस डेज का मतलब ये होता है हफ्ता इतवार छुट्टी निकाल के 15 डेज आपने गिनने हैं, जी ठीक है ना, वो गिनने हैं आपने। और उसके दौरान ही आपको जो है ना एक इन एप्लीकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं यूएब का, इसमें से मैंने इतने ज़्यादा अर्निंग की है, इसमें जो है ना हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन के अलावा एक ईमेल आ जाता है। मैं अगर यहाँ पर आऊँ और वो ईमेल आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, यूअर विड्रा रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है ना सिस्टम है इनका, लेकिन ये मैं ले चुका हूँ विड्रा, अब इसको मैं दोबारा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसका विड्रा मिल चुका है।
ओके हो गया। अब आगे क्या कहना है, अब मैं एक और विड्रा लगा चुका हूँ, वो भी मुझे मिलेगा जब आपको ये वाला ये मतलब आ गया ना नोटिफिकेशन। आपने नोटिफिकेशन के बाद क्या करना होता है, आपने ये वाली जो फीस होती है, ये ट्रांजैक्शन फीस है, आपको समझा रहा हूँ, ये आपको उनको सेंड करनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन की ये फीस नहीं है, ये अथेरियम के टोकन है, मतलब जो यूहाइव है वो अथेरियम जो है ना, अथेरियम एक जो आपको पता है टोकन है, आपको कितना बड़ा टोकन है, वो ये फीस चार्ज करता है। और चाहे आप अपने किसी फ्रेंड को भी सेंड करोगे, वो ये फीस लेता है लाजमी, मतलब जितनी भी बनती है, या 0.06006, ये पाकिस्तानी 1700 रुपये तकरीबन बनते हैं। ये मैंने इनको पहले सेंड किए थे एथेरियम के थ्रू, और इस एड्रेस पे एड्रेस भी उन्होंने मुझे दिया हुआ था। देन मुझे जो है ना वो टोकन मेरे प्रो बिट वॉलेट में मिल गए थे, और देन मैंने वहाँ से उसको USDT में एक्सचेंज किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अब मेरे पास कितने टोकन पड़े हुए हैं, अब मेरे पास 1,17,000 पड़े हुए हैं, और 1.5 लाख टोकन मैं विड्रा दोबारा लगा चुका हूँ, ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, विड्रा टोकन पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें अंडर प्रोसेसिंग गया हुआ है। फिर वो मुझे वही नोटिफिकेशन भेजेंगे, मैं उनको अपने 1700 या जितनी भी वो फीस कहेंगे वो भेजूंगा ट्रांजेक्शन, देन वो मेरे वॉलेट में वो टोकन डाल देंगे, और उसके बाद दोबारा मैं ये निकलवा सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है ना, मैंने यहाँ से विड्रा लिया है, और ये आप देख सकते हो 16,981 ये बन रहे हैं, और 1.5 लाख अलहदा विड्रा लगा हुआ है, वो अलहदा है, और वो भी इतने 1600 से कुछ ज़्यादा लगा लें, और 50,000 टोकन मतलब $26 मैं अलहदा विड्रा करवा चुका हूँ। और वो मैंने कैसे करवाया, उसका फुल डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि इस एप्लीकेशन से ऐसे अर्निंग की जाती है। विड्रा मैथड में आपको समझा चुका हूँ, विड्रा लगाने के बाद आपको वेट करना होता है, फिर नोटिफिकेशन आता है, फिर आपने इनको गैस फी देनी होती है, वो गैस फी देने के फ़ौरन बाद सेंड हो जाए तब आपने क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको कोई हर चीज़ समझानी है। जब वो सेंड हो जाए, मतलब सेंड होने का मतलब ये प्रोसेसिंग में ना हो, फीस सेंड हो जाए, और इतनी ही भेजनी है, ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू भेजना, और इस एड्रेस पे जब वो हो जाए तो आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका जो है ना टोकन वो सेंड कर दिए जाएंगे। अब मैंने जो विड्रॉल है वो प्रोबिट उसमें किया था ग्लोबल में, क्योंकि इसी में लिस्टेड है वो यूहाइव टोकन जो है, और यहाँ से मैं जो है ना USDT कन्वर्ट करके अपने बाइनेंस में ले गया था। अब यहाँ पर हिस्ट्री अवेलेबल होगी, क्योंकि आपको तो दिखाना है भाई। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मैं आता हूँ अपने वॉलेट सेक्शन में। फिलहाल यहाँ पे आपको 0 शो हो रहा होगा, लेकिन मैं जो है ना इसकी हिस्ट्री कोशिश करता हूँ यहाँ पे निकालूँ, बल्कि यूहाइव को सर्च करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वॉलेट पे आता हूँ और यूहाइव मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे ये देखें, डिपॉजिट कितने 50,000 टोकन हमारा यहाँ पे आ चुका था। देन यूहाइव को जो है ना मैंने इसको कर लिया था, एक्सचेंज कर लिया था। अब मैं इसकी एक्सचेंज ओपन करता हूँ, बल्कि कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि यार वो ख़त्म हो जाता है, ऑर्डर बुक हो गया था। मैं फिर आपको USDT ये वाले मेरे ये देखें अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने जो है ना यहाँ से कन्वर्ट किए थे, मतलब ऑर्डर लगा के मैंने इसको TRC में चेंज किया था, और फिर TRC को मैंने यहाँ से सेंड किया था, वो इसलिए मैंने TRC में एक्सचेंज किया ट्रॉन में, क्योंकि यार ट्रॉन की जो फ़ीस है वो कम होती है, और अगर मैं USDT ही सेंड कर देता आगे बाइनेंस में, तो वो जो USDT है ना उसकी फ़ीस ही $10 है। $10 यार कौन बंदा इनको दे, हालांकि ट्रॉन की सिर्फ एक ट्रॉन है जो कि बहुत ही कम है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते हैं, ये देखें, ये विड्रॉल हमने यहाँ से किया था 478 ट्रॉन का, और जो कि मुझे बाइनेंस में रिसीव हो गया था, जो कि 50,000 टोकन हमारे $26 बने थे, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। जी हाँ गाइस, अच्छी अमाउंट है। अब ये बाइनेंस मेरी तरफ लॉगिन नहीं है, वो दूसरे मोबाइल पे है। तो इस तरीके से जो है ना मैंने इनसे विड्रा किया था इस एप्लीकेशन से, और नेक्स्ट लगा हुआ है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें मैं यहाँ से कितने अर्न कर चुका हूँ। ये देखें, यूहाइव वालों के जो है ना विड्रा रिक्वेस्ट ही आपकी मेरी जो है रिसीव हुई थी। ये तो कल लगाया जो विड्रा 1.5 लाख टोकन का वो है, और यहाँ पर उनका एक और था विड्रा वाला, विड्रा कन्फर्मेशन, हाँ ये वाला है, ये जी है, ये फीस है कहते हैं ट्रांजैक्शन फीस, और आपका कंफर्म करना है, तो आपने ये जो है ना हमने यहाँ से विड्रा ले लिया। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर आप यहाँ से है ना मेरे जितनी अर्निंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार मैं तो इनवाइट कर लूँगा, अब आपका यही होगा ना कि आप तो इन्वाइट करके अर्निंग कर सकोगे, लेकिन यार आप एटलीस्ट $26 तो कमा ही सकते हो। वो कैसे, अगर आप यहाँ पर इन्वाइट सेक्शन पर आओ, ये क्या आपको जो है ना ये बंदे 5 अगर आप इन्वाइट करते हो तो 2,000 एक्स्ट्रा देते हैं, 10 इन्वाइट करते हो 5,000 एक्स्ट्रा देते हैं, 25 फ्रेंड इनवाइट के लिए तो 20,000 एक्स्ट्रा देते हैं, 20 और 5 आप लगा लें 25 एंड 2500 अलहदा लगा लें, और उसके बाद ये 25 लोगों के 25 मल्टीप्लाई 600 कर दें, वो अलहदा आपको टोकन मिलेंगे, क्योंकि यार उनके तो मिलने ही मिलने हैं ना जो बंदे हमने इनवाइट किए हैं। तो यहाँ पे देखें 15,000 वो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने ना 50,000 मिनिमम करने हैं, आपने बस 25 लोग इनवाइट करने हैं, फेसबुक से करो, ग्रुप से करो, कहीं से लाओ, और फिर आप यहाँ से विड्रा कर पाओगे, फिर
फिर आपको मेथड समझा दिया है कि आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने 15 दिन वेट करना है, 15 दिन के बाद आपने जो है ना आपने फिर वहीं पे आ जाना है उस विड्रा वाले सेक्शन पे, विड्रा वाले सेक्शन पे यहाँ पे आएगा कि फ़ीस पे करें, और फीस जितनी भी होगी ध्यान से देखिएगा और उतनी फीस उनको एथेरियम के थ्रू सेंड करनी है, एथेरियम टोकन ना सेंड करना, एथेरियम ERC20 BEP20 नहीं, ठीक है ना, वो क्रिप्टो वालों को पता होगा, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे ये मैं खोल लेता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट को, ट्रस्ट वॉलेट पे मैं खोल के जो है ना इसको मैं करता हूँ ओपन, और ये वाले सेंड कहने हैं जो कि ये पड़े हुए हैं, ये एथेरियम है और एक नीचे भी था एथेरियम टोकन में, जो गलती से ये भी सेंड हो गया और मेरे ज़ाया हो गए, ऐसा समझ लो मैंने गलत सेंड कर दिया 1700 और वो मेरे ज़ाया हो गए, लेकिन वो देखा मुझे एथेरियम मैंने सेंड सही सेंड किया तो मुझे पेमेंट मिल गई, बल्कि मुझे एक्स्ट्रा उनसे वो जो नुकसान हुआ था वो भी भर गया और एक्स्ट्रा भी मुझे अर्निंग होगी। तो आप जो है ना इस एप्लीकेशन को यूज़ करें, बहुत अच्छी अर्निंग दे रही है, बहुत अच्छा टोकन चल रहा है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट करो और यहाँ पर पैसे कमाओ। फुल डिटेल वीडियो देखने के लिए लिंक एंड डिस्क्रिप्शन, मस्ट चेक। अल्लाह हाफिज़।